front of the audience, please. कहाँ से हैं सर? बॉम्बे। बॉम्बे से? हाँ जी। तो थोड़ा बताइए अपने इस क्राफ्ट के लिए बारे में। सो मेरा एक क्राफ्ट एक एक्स्ट्रा है, 120 सीसी है, और मैं एक्चुअली बचपन से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और ये बहुत एजुकेटिव होती है। एंड मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और अब मैं ये भी उड़ाता हूँ। तो ये आप लोग खुद ही तैयार करते हैं, बनाते करते हैं? जब मैं बचपन अपन में पूरा डिज़ाइन से मैन्युफैक्चर करता था, टाइम नहीं मिलती है तो खरीदता हूँ। अच्छा। पर हाँ, बचपन में करते थे। हाँ। तो इसमें कितना इसके लिए मतलब खर्चा वगैरह कितना आ जाता है इसको रखने? वो एयरक्राफ्ट की साइज पे डिपेंड करता है, कोई बार 5,000 में आता है, कोई बार लाखों में जाता है। लाखों में जाता है। तो यहाँ कोई कंपटीशन था आज आपका, क्या था? नहीं नहीं, ये मीट था। मीट था और सबको ये एक्चुअली बहुत एजुकेटिव है। ओके। तो जो बच्चे देखेंगे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते हैं और फिर मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे इन एयरक्राफ्ट का कुछ ना कुछ हमारे असली वाले जो एयरक्राफ्ट है हमारे, उनसे भी थोड़ी थोड़ी इनकी कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन की गई है ना? तो फ्यूचर में इसका कोई यूज हो सकता है हमारे डिफेंस के तौर पे या नहीं? फ्यूचर छोड़, अभी भी यूज हो रहा है। जैसे यूएवीज, सर्विलेंस और सर्विलेंस पर वो थोड़ा और एडवांस रहता है, ये एरो मॉडलिंग है। एरो मॉडलिंग है, बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ओके। तो इनकी भी अपनी रिस्ट्रिक्शन रहती है फ्लाइंग की या कहीं भी उड़ा सकते हैं? वो मुझे नहीं पता, वो डिफेंस का है ना? डिफेंस का है। ओके ठीक है सर। नेम? माय नेम इज माज अंसारी। यू आर फ्रॉम? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। स्पेशल आया, आना हुआ? तो क्या इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये इवेंट के बारे में, और आपकी एज कितनी है? मैं आई एम 13 इयर्स ओल्ड, आई विल बी 14 इन सितंबर। ओके। सो दिस वाज अ वेरी नाइस इवेंट, आई रियली एंजॉयड इट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। आई सो यू यूज्ड टू फ्लाइट और योर कोलीग इज फ्लाइंग योर एयरक्राफ्ट? आई वाज फ्लाइंग। यू वाज फ्लाइंग। सो व्हाट इज द एक्सपीरियंस? इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, बट सम टाइम यू गॉट अ you know, get the grip of it. Okay. Sometimes get really thrilling. Okay. And sometimes really nice. Okay.